डॉक्टर क्यूनिस, आज हम सैनिक कॉलोनी सेक्टर में आए हैं और हमारे यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो कितना ज़्यादा क्राउड है। इस क्राउड का होने का क्या मकसद है, आइए जानते हैं। जो सैनिक कॉलोनी के जो रेजिडेंस, जो लोकल रहने वाले, इनसे जानते हैं आज का जो प्रोटेस्ट है वो क्यों है और किस बेस के ऊपर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप सिंह है जी। आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आज किस बेस के ऊपर प्रोटेस्ट है आपका? देखो जी, मैं वार्ड नंबर 69 का रहने वाला हूँ और ये बड़े दुखी बात है कि सैनिक कॉलोनी में एक पुलिस साथ में जेसीपी, हम लोग घरों में सोए थे, इन्होंने आके जो बाढ़ हमने लगाई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ग्रीनरी को बचाना है, और ये सेंटर का पैसा लगा जो अरबों रुपए की बजट बनी, उस पैसे के तहत यहाँ पे फॉरेस्टर ने खुद, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पोल लगाए और हमने पेड़ लगाए हैं। हम बच्चों की तरह पेड़ को पालते हैं। जो कंडी का एरिया जहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं मिलता हमें, उसके बावजूद भी हम अपना पानी, अपने बच्चों का पानी काट के इस पेड़ को देते हैं और ये ग्रीनरी का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसी भी आती है और लोग, हमारे बच्चे घरों में, हम दफ्तरों में हैं और आगे इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। जब इन हमारे बंदरों ने रोका, बोलते हैं जी जिप्सी में डाल दो, और चार चार दिन साथियों पानी नहीं आता यहाँ। रोज हमारी सी सेक्टर की मैं बात करूँ, वार्ड नंबर 69 में 10 मिनट बिजली आती है, 10 मिनट चली जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पर ध्यान नहीं है। अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो हम उसके साथ हैं, अगर कोई इलीगल काम कर रहा है हम उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिल्कुल जो सोसाइटी के इसके नॉर्म थे उसके तहत हमने जो बनाया हुआ है। मेरे एक साथी है यहाँ पे बिल्कुल बब्बर चौक में, उनका सिर्फ 3 फीट का, अभी आप देख सकते हैं जाके मौका, 3 फीट का वो बना हुआ है, जबकि हमें 5-7 फुट अलाउड है और नाली के ऊपर उन्होंने अपना पैसा खर्चा, इतने बढ़िया प्लांट लगाए हुए हैं और ये आगे ने तोड़ना शुरू कर दिया। मैं यही कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आगे वहाँ पे सीनियर लोगों को भेजो, ये आप इंस्पेक्टर लेवल के लोग भेज के, यहाँ पे क्लैश हो जाएगा। ये लोग सब फौजी हैं, हम सब लोग जो है देश के लिए जान देने वाले लोग हैं। हमारे, मैं पहले भी बताया कि हमारे घरों के जो शहीद हैं उनकी लाशें टोकरियों में आई हैं। 72 की बार में मेरा ब्रदर टोकरी में डाला गया था, उसकी लाश मिली नहीं। एक ही टाइम पे 10 बंदे शहीद हुए, हमें उनके किसी की टांग किसी का बाजू। अगर हम देश के लिए इतना कर रहे हैं तो हमारे लिए आप सैनिक कॉलोनी के लिए ये कर रहे हो? आप पूरे जम्मू में यहाँ पे कितनी बाढ़ हैं, अगर कोई ड्राइव जीएमसी ने चलाई है तो वार्ड नंबर 1 से क्यों नहीं शुरू की, वो सैनिक कॉलोनी में? क्योंकि शनि हिम्मत में जाओ, 20-20 फुट रोड है, वहाँ आप कुछ नहीं करते हो। सैनिक कॉलोनी में तो हमारे 62 फीट 48 फीट सबसे बड़े रोड अगर हैं तो सैनिक कॉलोनी में। और जहाँ पे गाय भैंस बकरियाँ वो घूमती रहती हैं, वहाँ स्मार्ट सिटी कुछ नहीं कर रही। लाइट हमारी नहीं आ रही, पानी हमारा नहीं आ रहा, और आप यहाँ पे आपके काम का हमें परेशान कर रहे हो। हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमिश्नर मैम भी अगर उनको सुने, भाई आप एक्टिव हो जाओ, नहीं तो हम जो लोग इकट्ठे हुए हैं आज, अगर 150-200 बंदा इकट्ठा हुआ है, पूरी कॉलोनी, ये बिल्कुल नॉन पोलिटिकल लोग हैं, सब एक्स सर्विस मैन है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई रिटायर्ड है। तो हमें, हमारी यही अपील है कि हम नॉन पोलिटिकल, शांतिपूर्वक नहीं होगा तो कल नेशनल हाईवे बंद करेंगे, अगर इन्होंने ये बंद नहीं किया। अगर जे इनकी जेसीपी तोड़ने आई तो हम सारे लोग जो हैं इकट्ठे होकर हम नहीं तोड़ने देंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे थे द क्विक न्यूज़। कैसे आपको इन्होंने जो सैनिक कॉलोनी के जो रेजिडेंस के जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, उन्होंने एक वार्निंग भी दी है जीएमसी को कि वो जो अपने जो एनकोर्जमेंट है उनको सही तरीके से ड्राइव की जाए। इनका कहना है कि वह जो वार्ड नंबर पहले से इन्होंने शुरू नहीं किया, वार्ड नंबर 1 से डायरेक्ट इनका 69 और 70 के ऊपर अटैक किया गया है, और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है और जीएमसी को एक वार्निंग दी गई है। तो देखते रहिए ऐसी अपडेट। मैं हूँ गगनदीप सिंह, द क्विक न्यूज़। कर रहे हैं कि जेड़ा जम्मू म्यूनसिपल कौंसिल की तरफों बड़ा एक गुंडागर्दी और शर्मनाक तरीके नाल बुलडोजर लैके लोग घर सुते सन, तो उन्होंने जेड़े जंगले ने तोड़े गए ने, बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बड़ा एक दुखदाई गल है कि जम्मू शहर की वह कॉलोनी जिन्हों सरकार की नज़र सब तो वधिया कॉलोनी मनिया जाता है, जेड़ा बिजली पानी का बिल सब तो पहले देंदे ने, सिविलाइज लोग ने, कर्नल जनरल ते ब्रिगेडियर लोग ने जिन्हें अपनी पूरी पूरी लाइफ जेड़ी है बार्डर के उपर जंग लड़ के दी है, उन्हां दी एक कलोनी साफ सुथरी दे विच एक बड़ा गुंडागर्दी तरीके दे नाल बुलडोजर लिया के लोगों को कोई नोटिस नहीं दिता, लोगों नाल कोई गल नहीं की गई, लोगों नाल कोई सलाह नहीं की गई, और ईवन की सोसायटी है साड़ी सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी जिहड़ी इस कॉलोनी की मालिक है जिन्हें लोगों को प्लाट अलाट किए हैं उन्होंने भी कॉन्फिडेंस के नहीं लिया गया, एक टैरर फैलाने की कोशिश की है जीएमसी की तरफों, असी पुरजोर
मजम्मत करते हैं और कंडेम्ड करते हैं उसकी इस कार्रवाई नूं। मैं साथियों तुहानूं दस देना चाहना कि 70-69 वार्ड जिहड़ी है उहदे पर सब तों पहले एक्शन होया। मैं जी एम सी दे कमिश्नर नूं इह गल पुछना चाहना तुहाडे माध्यम नाल कि पूरियां वार्डां 1 तों लै के 68 वार्डां जिहड़ियां ने इग्नोर कीतियां गईयां और 69-70 वार्ड दे उपर आ के बलडोजर चलाया गया। यह एक साजिश दे तहत कीता गया है। उस साजिश नूं असीं नंगे करना है बगैरा तौर दे अपोज करना है कि 68 वार्डां छड्ड दित्तियां गईयां ते 69-70 वार्ड दे विच सब तों पहले आ के ने कीता। मैं पुछना चाहना जी एम सी दे कमिश्नर नूं क्या त्रिकुटा नगर ते गांधी नगर जिहड़ा पूरा कमर्शल हो गया जिहदे लोकां 10-10 फुट जंगले बाहर लगाए दे ने ग्रीनरी दे उत्ते किसी ने कुछ नहीं पुछिया। दूजी गल मैं ये दसना चाहना कि ये जंगले जरूरी क्यों ने। ये जंगले सरकार की प्लांटेशन ड्राइव फेल हो चुकी है। सरकार जिहड़ी गवर्नमेंट दी एजेंसी ने वह प्लांटेशन ड्राइव नहीं कर सकियां। पोल्यूशन का दौर है और इन्ने साल हो गया लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन के नाल अपने पैसों के नाल बूटे लगाए ने। मैं जिले सवेरे सैर कर जाना लोग अपने बूटियां पानी दे रहे होंगे चाह पीन तो पहले और बूटियां बच्चों की तरह पाल रहे हैं और उन्होंने बूटियां बचाने वास्ते सानू थोड़ी जी फेंसिंग करनी पई है। जबकि सोसायटी का 2009 का एक सर्कूलर है कि जी 30 फुट रोड है उत्ते 5 फुट तुसी फेंसिंग कर सकते हो।